हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर यू में। दोस्तों, जिसने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है, कैटेगरी वाइज आपके कितने नंबर आ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 100% सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा रही है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भी अपडेट होगी सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका 100% होगा, टेंशन आप बिल्कुल ना लें। 100% आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नंबर कितने बढ़ सकते हैं, नंबर जो है आपके 3 से 4 तक बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं आपकी कैटेगरी वाइज। पहले आप मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों और जनरल से है, 65 से लेकर 70 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए दिल्ली पुलिस में आपका जो है सिलेक्शन हो गया। अगर आप EWS कैटेगरी में है तो 60 से लेकर 65 नंबर, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स तक आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है दोस्तों तो 62 से लेकर 67 नंबर, SC कैंडिडेट के लिए 55 से लेकर 58, अगर आप ST कैंडिडेट है 52 से लेकर 55 नंबर, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 से लेकर 52, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो दोस्तों आपके 48 से लेकर 50 नंबर। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन मेल कैंडिडेट, तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके कितने मार्क्स आए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं दोस्तों तो 53 से लेकर 55 नंबर, EWS कैंडिडेट के लिए 51 से लेकर 53 नंबर, अगर आप OBC कैंडिडेट है 48 से लेकर 51, SC कैंडिडेट के लिए दोस्तों 45 से लेकर 48, अगर आप ST कैंडिडेट है 42 से लेकर 45, अगर आप एक्स सर्विसमैन है 40 से लेकर 42, और फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 35 प्लस नंबर सफिशिएंट होंगे। ये तो हो गया आपकी फीमेल की विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात कर लेते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये समझ लीजिए ये आपका राय स्कोर है, यानी नॉर्मलाइजेशन से पहले। वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे एग्जाम फॉर यू चैनल को, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर जो भी अपडेट हो सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 68 से लेकर 72 नंबर, अगर आप EWS कैटेगरी में है तो 65 से लेकर 67 नंबर, OBC कैंडिडेट के लिए 62 से लेकर 65 नंबर, अगर आप SC कैंडिडेट है तो 60 से लेकर 63 नंबर, ST कैंडिडेट के लिए 58 से लेकर 60, एक्स सर्विसमैन के लिए 55 प्लस, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 50 प्लस नंबर। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये समझ लीजिए दिल्ली पुलिस में आप कॉन्स्टेबल बन गए। ये हो गया आपकी मेल कैंडिडेट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जनरल कैंडिडेट के लिए 55 से लेकर 58, अगर आप दोस्तों EWS कैटेगरी में हैं 53 से लेकर 55। कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है आप किस कैटेगरी से और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कितने बच्चों का जो है इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन होने वाला है। तो सभी का जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, कैटेगरी आपके कितने और मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं। OBC कैंडिडेट के लिए दोस्तों 52 से लेकर 54 नंबर, अगर आप SC कैंडिडेट है 50 से लेकर 52 नंबर,
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात है, अगर आप एसटी कैंडिडेट है 48 से 50, एक्स सर्विस मैन के लिए 45 प्लस, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो 40 प्लस आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो ये समझ लीजिएगा आपका जो है सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, आप कांस्टेबल बन गए। कट ऑफ मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कैटेगरी से और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एग्जाम फॉर यू चैनल पर आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 100% सटीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।